हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। भगवान विश्वकर्मा का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में किया गया है। भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी कहा जाता है, यानी देवताओं का इंजीनियर। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार नियुक्त किया। उन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, द्वारका नगरी, सोने की लंका, सुदामापुरी जैसे कई नगरों और स्थानों का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा ने ही सोने की लंका बनाई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार सोने की लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। माल्यवान, सुमाली और माली नाम के तीन पराक्रमी राक्षस थे। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आज हमारे लिए एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। तब विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि दक्षिणी समुद्र तट पर मैंने इंद्र की आज्ञा से सोने की निर्मित लंका का निर्माण किया है, तुम वहाँ जाकर रहो। श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। उस नगरी में विश्वकर्मा का विज्ञान यानी कि वास्तुशास्त्र और शिल्पकला की निपुणता, स्पष्टता प्रकट होती थी। द्वारका नगरी की लंबाई चौड़ाई 48 कोस थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहे और गलियों का निर्माण किया गया था। भगवान शिव के रथ का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। महाभारत के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के नगरों का विध्वंस करने के लिए भगवान महादेव जिस रथ पर सवार हुए थे, उस रथ का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। वह रथ सोने का था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। विश्वकर्मा के पुत्र थे नलनील। नलनील का नाम आपने बहुत सुना होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के आदेश पर समुद्र पर पत्थरों के पुल का निर्माण नलनील ने ही किया था। राम सेतु का निर्माण मूल रूप से नलनील नामक बानर ने किया था। नल शिल्पकला जानते थे क्योंकि वह देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा दिवस विश्वकर्मा भगवान को समर्पित है, जिन्हें दुनिया का डिजाइनर माना जाता है। उन्होंने द्वारका के पवित्र शहर का निर्माण कराया था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण का शासन था। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए कई हथियार बनाए थे। विश्वकर्मा दिवस प्रत्येक वर्ष भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाता है और ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 16 या 17 सितंबर को मनाया जाता है। दिन की गणना विशुद्धा सिद्धांत के आधार पर की जाती है। पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में विश्वकर्मा दिवस को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पूरे देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह त्यौहार बिहार और कुछ उत्तरी राज्यों में दीपावली के बाद भी मनाते हैं और कामगारों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कामगार छुट्टी कर यह उत्सव विशेष रूप से मनाते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के दौरान कार्यालयों, कारखानों, कार्यस्थलों में विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है। ऐसे स्थानों को फूलों से सजाया जाता है और भगवान का स्वागत किया जाता है। भक्तों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। उनकी मूर्ति सजावटी पंडालों में भी लगाई जाती है। इस दिन श्रमिकों द्वारा औजारों की पूजा भी की जाती है। त्यौहार के दिन स्वादिष्ट दावत भी तैयार की जाती है। श्रमिकों, मालिकों द्वारा एक साथ भोजन किया जाता है और अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की जाती है। विश्वकर्मा दिवस हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन भगवान विश्वकर्मा का सम्मान करता है, उनसे प्रार्थना करता है। ऋग्वेद में उनके योगदान की व्यापकता विस्तृत रूप से दी गई है। सभी कार्यकर्ता इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हर क्षेत्र अपने अपने तरीके से भगवान विश्वकर्मा की
पूजा की जाती है। विश्वकर्मा भगवान की कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलाए पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसीलिए अब हमें इन कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय बताइए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे, एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा दिलाने का उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक मुनि वशिष्ठ की बातों को सुना और कहने लगे, मुनि वशिष्ठ ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाला देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का क्या कहना कि जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में ही लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ है, आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इसमें पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगीरा यज्ञ में श्रेष्ठ पुरोहित है और जो श्री विश्वकर्मा जी के भक्त हैं, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथनुसार मुनि लोग अंगीरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बात सुनकर अंगीरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं? दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनें और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को भगवान विश्वकर्मा अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगीरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो भी मनुष्य भक्तिभाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुख को प्राप्त करता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।